छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर धान का उत्पादन होता है और इसीलिए ये राज्य धान का कटोरा कहलाता है। लेकिन देश के कई इलाकों की तरह छत्तीसगढ़ में भी धान की कटाई के बाद खेतों को यूं ही खाली छोड़ दिया जाता है। इन खाली खेतों के सही इस्तेमाल के लिए सरकार ने इन क्षेत्रों को देश के दलहन कार्यक्रम से जोड़ दिया है। दलहन उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी योजना की एक उप योजना है TRFA, जिसका उद्देश्य खरीफ में धान की कटाई के बाद कम उपयोग में आने वाले खेतों में ऐसी दलहन की किस्मों की खेती को बढ़ावा देना है जो खेत में मौजूद नमी से ही अच्छी पैदावार दे सके। ये हैं बिलासपुर जिले के उमरवारा गांव के रहने वाले शत्रुधन सिंह राज, जिन्होंने 2019 में पहली बार धान की कटाई के बाद चने की बुआई करना शुरू किया। कृषि विभाग से इन्हें सर्टिफाइड बीज और तकनीकी प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ। हम लोग बरसों से धान की खेती करते आ रहे हैं और पारंपरिक रूप से धान की कटाई के बाद हम लोग खेत को यूं ही छोड़ देते थे। फिर मेरी मुलाकात कृषि विभाग के अधिकारियों से हुई, जिनके कहने पर मैंने धान की कटाई के बाद चने की बुआई करना शुरू किया। इससे हमारी आमदनी में वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य के इन किसानों ने अपनी बरसों पुरानी खेती के तरीके में सुधार कर फसल सघनता में वृद्धि का ये रास्ता अपनाया है, जिससे इनके लिए आमदनी का एक नया विकल्प खुल गया है। किसानों, राज्यों और भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से 2021-22 के दौरान 27.75 मिलियन टन दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। TRFA योजना की मदद से जहां एक ओर देश दलहन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, वहीं किसानों के लिए भी इनके चने की खेती खुशियों की चाबी बन गई है।